सर्वेभ्यः नमो नमः। उत्तर मध्यम प्रथम वर्षे व्याकरण कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम्। अद्य सूत्रं वर्तते षष्ठी शेषे कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादि संबंधः शेषः तत्र षष्ठी च। जहां पर कारक और प्रातिपदिकार्थ के अलावा अर्थात प्रातिपदिकार्थ और कारक से भिन्न स्वस्वामी भाव आदि की संबंध की प्रतीति हो, वहां पर शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा संबंधी पुरुष, तो कर्म आदि के अग्रे लिखितं वर्तते कर्मादी नामपि संबंध मात्र विवक्षायां षष्ठे। कर्मादि के संबंध में केवल संबंध मात्र की विवक्षा में भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सताम गतम सर्पिशो जानीते मातु स्मरति एधो दकस्य उपस्फुरते भजे संभोश चरणयोः फलानां तृप्ता। ये सब उदाहरण हैं। तो जहां पर षष्ठी विभक्ति विभक्ति का निरूपण किया जा रहा है, संबंध सामान्य में षष्ठी विभक्ति होती है तो संबंध कारक नहीं है। इससे इस अर्थ की प्रतीति हुई कि संबंध कारक नहीं है। तो प्रस्तुत प्रकरण में यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार के संबंध को सूचित करने के लिए होता है। अतः शेष पद का स्पष्टीकरण अपेक्षित है। शेष पद का क्या अर्थ है? शेष मतलब अवशिष्ट, बचा हुआ। अब तक जो कहा गया उससे बचा हुआ अर्थात किससे बचा हुआ? कर्ता आदि छह कारकों से भिन्न स्वस्वामी भाव आदि संबंध शेष पद बोध। इन संबंधों को बताने में षष्ठी का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण है राजगृह पुरुष, यहां पर राज पदार्थ का पुरुष पदार्थ के साथ स्वस्वामी भाव संबंध है। अतः राजन शब्द को यहां पर
षष्ठी विभक्ति हुई। तो जब कर्म आदि का क्रिया के साथ केवल संबंध मात्र ही विवक्षित है तो जब कर्म इत्यादि का क्रिया के साथ केवल संबंध मात्र विवक्षित हो तो वहां पर संबंध का प्रकार इस प्रकार से होता है। ईप्सित तमत्व, साधक तमत्व, विश्लेष आदि बताना अभिष्ट हो, कर्म आदि संज्ञाएं नहीं होती, तब वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। ऐसी स्थिति में उनका कारकत्व नष्ट नहीं होता। तो राज्ञः पुरुषः, राजा संबंधी पुरुष, तो यहां पर जो राजा संबंधी पुरुष है वहां पर संबंध मात्र की विवक्षा है, स्वस्वामी भाव संबंध है, अतः वहां पर षष्ठी विभक्ति हुई। प्राज्ञः पुरुषः इत्यादि की स्थिति में षष्ठी से सूत्र के द्वारा स्वस्वामी भाव संबंध की प्रतीति हो रही है, इसलिए षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। लेकिन जहां पर कर्मादि नामपि संबंध मात्र विवक्षायां षष्ठ सताम गतम उदाहरण है, सज्जनों का जाना, तो यहां पर कर्ता कौन है? सत। कर्ता सत में प्रथमा की अविवक्षा, यहां पर प्रथमा की अविवक्षा हो जाएगी, तो अविवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति हो। सर्पिसा जानिते में घी के कारण त्रस्त होता, तो यहां पर करण की अविवक्षा है और षष्ठी की विवक्षा, तो सर्पिशः इति जानिते, सर्पिस के कारण, घी के कारण, एधः उदकस्य उपस्फुरते, लकड़ी जल को परिष्कृत करती है, अर्थात लकड़ी जल के गुणों को ग्रहण करती है। इस अर्थ में कर्म की संबंध विवक्षा में षष्ठी, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति हो गई। भजे संभोस चरणयोः, शंभु के चरणों को भजता है, तो कर्म के स्थान पर चरणा, कर्म के स्थान पर संबंध मात्र की विवक्षा ने यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग स्वीकृत किया गया है। फलानाम तृप्तः, तो यहां पर कर्ण फलों से तृप्त है, तो कर्ण की शेषत्व विवक्षा ने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहां पर हो गया। इसीलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग षष्ठी से सूत्र के द्वारा होता है,
लेकिन कारक प्राज प्रतिकार से व्यतिरिक्त सत्स्वामी भावादि संबंध शेषः तत्र षष्ठी स्यात्। कृत योगा लक्षण षष्ठी तो न भवति, बड़ी